सर। हे, क्या है रे? सॉरी सर, वो पुलिस वालों ने इसलिए। जानता नहीं मुझे। ओके सर। कहाँ है यार तू? हम वॉइस बार में तेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे दे यार, टाइम वेस्ट मत कर यार। हमको दे। ए मामू जल्दी आ जा, एंजॉय करेंगे। हाँ बस आ गया यार। सब मिल के गाएं है बट यार का, आओ मिल के करे ब्रेक डांस। भैया लोग तनी आवा नहीं कमर हिलावा। यारों के यार तू जिये लाखों साल, है तेरी यारी को यारा सलाम। यारों के यार तू जिये लाखों साल, तेरी यारी को यारा सलाम। दोस्त गरीबों का तू, दुश्मनों का दुश्मन, सब जाने तू प्यार का है गुलाम। यारों का प्यारा दिल है वो ही तेरा ठिकाना, प्यार की गलियों में है तेरा मकान। पार्टी पार्टी पार्टी, हैप्पी बर्थडे पार्टी, गाओ गाओ मौज मनाओ आज बर्थडे पार्टी। पार्टी पार्टी पार्टी, हैप्पी बर्थडे पार्टी, गाओ गाओ मौज मनाओ आज बर्थडे पार्टी। यारों के यार तू जिये लाखों साल, है तेरी यारी को यारा सलाम। बंद कर दो सारे डोज, आज हमारी पार्टी है, सारे मिलके मौज करेंगे, रात अभी भी बाकी है। यारों का अब साथ है, मस्ती की रात है। तेरे लिए गीत गाएंगे हम, संग तेरे ही खुशियाँ मनाएंगे हम। हाँ तेरे लिए गीत गाएंगे हम, संग तेरे ही खुशियाँ मनाएंगे हम। तू चाहे जितना भी आगे बढ़े, पर साथ तेरा निभाएंगे हम। ओ कर जब यार साथ हो, तकदीबी तक जुनता, तलांग तक जुनता, तरिकट तक जुनता। यारों के यार तू जिये लाखों साल, है तेरी यारी को यारा सलाम। अभी हमारी गलियों में आ, तब तुझको भी पता चलेगा। पार्टी रोज मनाते हैं हम, देख के तू भी झूम उठेगा। सब तेरी यार बड़ाई करे, तू सबकी ऐसी भलाई करे। ओ सब तेरी यार बड़ाई करे, तू सबकी ऐसी भलाई करे। ऊंचा तेरा वो नज़्म हो कि तुझसे सारी बुराई डरे। ओ सारी उमंग सारे कर जब यार साथ हो, यारों के यार तू जिए लाखों साल, है तेरी यारी को यारा सलाम। महाराज लड़की मिल गई महाराज, खत्म करो। हे चलो, हे क्या हो रहा है? सुनो, अरे भागो जल्दी, चलो इस तरफ से। बहुत खतरनाक, जल्दी चलो। इधर से मुझे बचाइए, उसे मारना है। तू बीच में क्यों आया? निकलो, जल्दी निकलो यहाँ से। छोड़ नहीं, भागो 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 यहाँ से। जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलाओ गाड़ी, चलाओ जल्दी, चलो जल्दी 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 गाड़ी निकालो, जल्दी। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, जल्दी पीछा करो, पीछा करो। प्लीज थोड़ा और तेज चलाओ, प्लीज प्लीज स्पीड बढ़ाओ। गाड़ी और तेज भगा। प्लीज जल्दी करो, प्लीज और तेज चलाओ ना, प्लीज वो हमारे पीछे ही। प्लीज थोड़ा और तेज चलाओ। अगर हम राइट में जाते हैं तो पैरिस है, और लेफ्ट में जाते हैं तो हाईवे। एक काम करो, लेफ्ट चलो। वो राइट में नहीं, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। चलो लेफ्ट की तरफ लो, लेफ्ट लेफ्ट। तेज 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 और तेज। आज तो लगता है मेरा ही दिन है। थैंक्स विजय, बहुत बढ़िया। अरे कभी सोचा नहीं था भाई, अपनी थकेली गाड़ी में पकेली सब्जी आएगी। आहा, ये सब क्या है यार? ओहो, ये सब करना जरूरी था क्या? ये क्या कह रहा है? और तेज चला। वो हमारा पीछा कर रहा है। हम इस लड़की को जानते तक नहीं, और इसके लिए हमने उनसे पंगा ले लिया। फास्ट 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 और फास्ट। प्लीज प्लीज गाड़ी मत रोकना, प्लीज प्लीज गाड़ी मत रोकना। भगा 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 भगा, प्लीज और तेज चलाओ। चलूंगा नहीं तुम लोगों को। लेकिन वो लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं यार? हे गाड़ी रोक यार, मैंने कहा गाड़ी रोक यार। प्लीज प्लीज गाड़ी मत रोकना, प्लीज तुम गाड़ी मत रोकना। तू गाड़ी मत रोकना मेरे दोस्त, आज तो लग रहा है कि मैं डूब मरूं। बोला मेरे भाई, इसके साथ तो मैं जन्नत की सैर करूंगा। समझा कि नहीं रे? तू नजर मत डाल इस पे, वरना बहुत पीटूंगा तुझे। क्या हो तुम लोग? सुनो विजय, मैंने कहा गाड़ी रोक, गाड़ी रोक यार। ओए मेरी बात मान ले और गाड़ी रोक, वरना बहुत पछताएगा। तू गाड़ी को ओवरटेक कर। और तेज गाड़ी को आगे ले। मैंने कहा था फंस जाएंगे। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किससे पंगा लिया है। अभी बताता हूं। आजा आजा आजा। जल्दी आप जल्दी आप जल्दी। हाँ चल पीछा करूंगा। चल 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 जल्दी। छोड़ना नहीं है उन कमीनों को। महाराज क्या हुआ गोपाल? काम हो गया? महाराज उसे बचाकर चार लड़के ले जा रहे हैं महाराज। चार लड़के? वो चारों लड़के उसे एक गाड़ी में लेकर जा रहे हैं महाराज। अरे तेज चला, तेज तेज और तेज। महाराज मैं उनका पीछा कर रहा हूँ महाराज। मैं उसे पकड़ ही लूंगा। अपनी रनिंग कमेंट्री बंद कर। क्रिकेट खेल रहा है क्या? पकड़ना नहीं, खत्म करना है। बाप को खत्म कर दिया, माँ को खत्म कर दिया, छोटी को भी खत्म कर दिया। 2 करोड़ की बात है। मछली की तरह काटने को कहा तो मुझे कहानी सुना रहा है। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं उसे खत्म कर दूंगा। धात सारा नशा उतार दिया, फिर से चढ़ाना पड़ेगा। अरे हमें तो लगा था कि इस लड़की के पीछे सिर्फ हम ही है, लेकिन यहाँ तो पूरी फौज है भाई। अरे यार समझ में ही नहीं आ रहा हम लोग कहाँ फंस गए। मुझे छोड़ के इनको पकड़ लो, अभी शादी करना है मुझे। भगा 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 भगा। मुझे लगा सुबह हो गया तो बच जाएंगे, लेकिन लगता ये लोग हमें खत्म करके ही छोड़ेंगे। विजय ये लोग हमारे नजदीक आ रहे यार, और तेज भगाना। प्लीज स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा तेज चलाइए। प्लीज थोड़ा और तेज चलाइए। प्लीज और जल्दी। प्लीज और कितना भागेंगे यार। भागते भागते शहर के बाहर आ गए। देख मेरी बात मान, गाड़ी लेफ्ट में लगा और इसे उतार दे। क्या? नो 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 नो, प्लीज प्लीज गाड़ी मत रोकिएगा, प्लीज प्लीज। क्यों नहीं रोके? सारे फसाद की जड़ तू है। चुपचाप बैठी रह। प्लीज। फोन काहे नहीं उठा रही है? जेब की जरूरत ही नहीं। कैसे बल्ब की तरह जगमग जगमग कर रहा है। कितना खुशनसीब है ये फोन है। क्या किस्मत है इस फोन की। कौन है? फोन उठा, बात कर यार। कौन है ये एड़ा? फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है। भले फोन मत उठाओ, फिर से उसे जेब में ही रख दो। ए, तू चुप कर, तू बात क्यों नहीं कर रही है? क्यों ऐश्वर्या, तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी? ए, ला दे, मुझे फोन दे, ला दे, दे फोन। एक बात जान लो, छोड़। अपनी माँ को देखने से पहले पुलिस वाले को देखा था। ढूंढ कर मेरा नामकरण करने से पहले मैंने FIR को देख लिया था। FIR राजा, ये नाम मेरी माँ ने नहीं रखा बल्कि पुलिस ने रखा था। मेरी बात सुन, अगर तू शराफत से अकेले उतर जाती है तो तुझे कोई नुकसान नहीं करूंगा, ये FIR राजा का वादा है। मेरी बात अब तुझे समझ में आ गई होगी ना? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे साथ जितने भी लोग हैं उन सबको मार दूंगा। मेरे लड़के भूखे प्यासे तेरा पीछा कर रहे हैं और वो खून पीने के लिए बेचैन हैं। अगर तुझे यकीन नहीं है तो पीछे पलट के देख ले। हाँ यार, ये तो वाकई दीवानों की तरह पीछा कर रहा है। देख यार विजय, इसमें पूरा नेटवर्क शामिल है यार। इस लड़की के चक्कर में हम लोग फंस जाएंगे यार। उसकी बात सुनकर मेरी पूरी उतर गई, बैटरी चार्ज करा दो मेरी। इनकी तो पूरी पलटन ही आ गई है, ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, पटक पटक के गेम बजा देंगे हमारा। बिल्कुल सही कह रहा भाई, मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो लगता है ये लड़की सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, उतार देते हैं। क्या कहा? मेरा मतलब है कि इस गाड़ी से उतार देते भाई। हमको देरी से समझ में आता है, पता नहीं। हे विजय, तुझे हम इतनी देर से एक बात समझा रहे हैं, ना तो तू कुछ बोल रहा है ना कुछ बता रहा है। इस लड़की ने सलमान की तरह कमिट नहीं किया, इसके लिए हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, समझे? कमिटमेंट, इसे देखो भाई, अपने नंबर बढ़ाने में लगा हुआ है। चुप कर यार। देख विजय, हम शहर से काफी दूर आ गए, गाड़ी यहीं कहीं रोक कर इस लड़की को उतार देते हैं। देख यार, वो लोग बिग शॉट हैं, काफी डेंजरस हैं वो लोग, समझने की कोशिश कर यार। गाड़ी रोक दे प्लीज। देखिए प्लीज गाड़ी मत रोकिएगा, वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज प्लीज गाड़ी मत रोकिएगा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। क्यों कान पे चला रही है? हाँ सुन यार विजय, यही लेफ्ट में पुलिस स्टेशन है, इसे पुलिस के पास ले। पुलिस? नहीं 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 नहीं। देखा भाई, कुछ तो गड़बड़ है। आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज वहाँ मत ले चलिए, प्लीज प्लीज गाड़ी चलाते रहिए, प्लीज यहाँ मत। क्यों कर रहा है? प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। ना तो पुलिस के पास जा रहा है, ना तो कुछ बोल रहा है। तू हमें मरवाना चाहता है क्या? मरवाएगी क्या? तूने सोच क्या रखा है? तू कौन है और ये लोग कौन है? तेरे पीछे क्यों पड़े? प्रॉब्लम क्या है बता ना, अब जवाब दे। अब तो ये पूछ रहा है ना, जवाब दे। अब गाड़ी मत रोकिए। हाँ, देखिए वो बहुत पास आ गए। प्लीज प्लीज थोड़ा और तेज चलाइए ना, प्लीज प्लीज थोड़ा और तेज चलाइए, प्लीज प्लीज। भैया पता नहीं क्या सोच रही है, पुलिस के पास भी नहीं जा रही है। मेरी जान, एंजॉय करेंगे एंजॉय, आज कुछ तूफानी करते हैं। दिवाली में होली मनाएंगे, चलो होली खेले, रंग लगाओ रंग। और करीब ले। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चलो चलो। नीचे झुके रहना। एक किस कर लेता हूँ। अरे ऐसा मौका दोबारा थोड़ी ना मिलेगा। क्या नौटंकी है? अबे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है यार? धत तेरी, उठ जा उठ जा उठ जा। पगल समझा है क्या? वो लोग चले गए। क्यों कबाब में हड्डी बन रहा है यार? अच्छा बेटा, टूट टूट वरना यहाँ से फूट। तुझे क्या लगा हमका चढ़ गई है? गाड़ी का झटका देते रहो। मजा आ गया। बंदर छाप मंजन करता है। ओह नो, वो हमारे बहुत पास आ चुके हैं। प्लीज जल्दी चलाइए। तेज भगाओ, तेज भगा। हम चलाओ। मेरी बात मान ले, चुपचाप लड़की को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तुम सबको जान से मार दूंगा। चलिए। अरे तेज चला, हथियार निकालने की बात कर रहे हैं, लगता है हमें मार देंगे यार। शीशे बंद कर, शीशे जल्दी। अरे बटन काम नहीं कर रहा यार। ले 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 और करीब ले, ले ले ले। क्या हुआ मेरे भाई को? अरे मार्क लगा दिया यार। विजय कुछ कर, लगता है हमें छोड़ेंगे नहीं। वापस चल, वापस चल यार। मैं बोल रहा हूँ ना, वापस चल यार। मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, इस लड़की को ना उनके हवाले कर देते हैं। मांगने पे भी नहीं छोड़ेंगे। अस्पताल जाने के लायक नहीं बचेंगे हम लोग, डायरेक्ट शमशान जाएंगे, शमशान। मैं कहूँगा मुझे छोड़ दो, तुम सबको कंधा जो देना है मुझे, इसके साथ मैं एंजॉय करूँगा जीवन भर। चुप करो तुम लोग। हे विजय, तू गाड़ी रोकेगा या नहीं? साफ साफ बोल। नहीं रोकूंगा। अगर इसको छोड़ दिया ना तो वो लोग इसको मार डालेंगे। देख रहा है, पैदाइशी गुंडे लोग हैं। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फोन पर भी कोई धमकी दे रहा है, समझ यार। वो मुझ पर भरोसा करके आई है, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मासूम लड़की है बेचारी। तो क्या तुम्हें इससे लव हो गया है? क्या बकवास कर रहा है? तो पढ़ा लिखा है, सोच समझ कर बात कर। ये लोग इसे मार डालेंगे, समझ यार। जल्दी चलो गाड़ी। मेरी कार पर गाड़ी रोक। अरे यार, तेरे हाथ से खून आ रहा है, चल पहले हॉस्पिटल चलते हैं। अरे ए विजय, छोड़ को अवॉइड मत कर यार। किसका फोन है? क्या बात है, अभी तक काम नहीं हुआ? भाई मैं उनकी गाड़ी के पीछे ही हूँ, बहुत जल्द मैं उन लोगों को पकड़ लूंगा। काम खत्म करके ही रहूंगा। काम खत्म करना ही होगा। शुक्रवार को रजिस्ट्रेशन है, शनिवार रविवार छुट्टी है। जानता है ना मार्केट में लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? यही कि आप जुबान के पक्के हैं। जानता है ना, जो काम कहता हूँ, जिस दिन कहता हूँ, जिस समय के लिए कहता हूँ, उसी समय पूरा करता हूँ। सभी राज्यों की पुलिस मुझे अकेले को ढूंढ रही है, मैं इकलौता ऐसा घोषित अपराधी हूँ, समझे? मैं जानता हूँ महाराज, काम खत्म होते ही मैं आपको फोन करूंगा। अरे और तेज चलाना। अरे वाह भैया, उनकी गाड़ी नहीं दिख रही है, तू अपनी गाड़ी रोक। पी पी के पेट ओवरलोड हो गया है, टंकी खाली करना है मुझे, वरना बाढ़ आ जाएगा गाड़ी में। हे, अगर वो पीछे से आ गए तो हमें छोड़ेंगे नहीं। मेन रोड पर क्यों जा रहे हो? शहर के अंदर चलो, वहाँ जाके फ्रेश हो जाएंगे, फ्रेश होके वापस आ जाएंगे। समझा कर यार, मेरी बात समझ रहा है कि नहीं विजय? गणेश, राइट में 2 रोड हैं, होशियार रहना, वो भाग ना पाए। हे, किसका फोन है? माँ का फोन है, तो उठाकर बात करना, वो तेरे लिए परेशान हो रही होंगी। भाई रोक दे, वरना इस बोतल में कर दूंगा। अब किसका फोन है? पापा का फोन है। हे विजय, कम से कम उन्हें तो प्रॉब्लम बता दे यार। तेरे डैड पुलिस में है, सारी प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। नहीं, पापा को ये सब बताने का ये वक्त सही नहीं है, बाद में देखते हैं। भाड़ भेजा, गाड़ी शहर में ले लो, बाउंड्री पे आ गया है, अब तो कभी भी सिक्सर लग सकता है। रोक दे। तेरे को क्या लगता है हम शहर में जाएंगे तो वो हमारा पीछा छोड़ देंगे? पागल है क्या? एक दिन तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होगा। अब तो नो बॉल होने से कोई नहीं रोक सकता। रोक दे मेरे भाई, रोक दे। मेरी जान, तू ही बोल दे इस पगले को, शायद तेरी बात सुन ले। तुम लोग भी ना आज तो गया। जितना हंसना है हंस लो, तुम्हारे पेट में गड़बड़ होगा गड़बड़। हाँ। तुझे सुसु लगी है तो तू बोलना, मैं क्यों बोलूं? तू रोक दो ना मेरे पागल, एक नंबर का कंट्रोल नहीं होता। मेरा गाड़ी कोने में रोकना, जा मर, गाड़ी मत उछाल। ए, चल जा, जा कर ले। अबे जा जल्दी जा, आज तो ऑमलेट बन जाएगा। परेशान करके रखा हुआ। मैं भी जाता हूँ। ए, तू कहाँ जा रहा है? ए, वी आर इंडियंस, किसी बात में एक हो ना हो, लेकिन सुसु करने में एक हो जाते हैं। जान बची सब तेरी वजह से। ए विजय सुनना, हाँ बोलना, मैं भी जरा हल्का होके आता हूँ। है जो सफवा, गाड़ी के डिक्की में भर के ड्रिंक्स रखा हुआ है, समझा? तू खट्टा नींबू पानी पीना, ड्रिंक्स पे नजर मत गड़ाना, वरना तेरा हाथ पे रेक कर दूंगा मैं। हाँ। ए, क्या बोल रहा है बे? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। गाड़ी के अंदर मस्त कली है, मैं उसे फूल बना दूंगा, तू टेंशन मत लेना। और अगर मैंने पटा ली तो? चुप कर पगले, पहला नंबर मेरा ही होगा, उसके बाद तेरा। तू इस खेल का कच्चा खिलाड़ी है मेरे भाई, मैं तुझे बताऊंगा कैसे खेलते हैं। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा? अरे वाह, क्या बात है, पूरा मजा आएगा मुझे। लेकिन चूमने के चक्कर में चोट लग गई मुझे यार। उस लड़की का नाम क्या था? हे, उस लड़की के नाम से क्या लेना यार। हे, महिमा के चक्कर में अपना कीमा मत बनवा लेना। उसका काम हो गया। क्या काम? अरे विजय का काम यार। हे, वाह देख जरा, मौका मिलते अपना काम बना लिया उसने। पीछे देख, क्या बोल रहा है तू ही देख। अगर मेरे बस में होता तो मैं तो कब का यू टर्न ले लेता, लेकिन वो। ऐसे मुश्किल वक्त में आपको मुझसे मिलवाने के लिए मैं भगवान को थैंक्स जरूर कहूंगी। वैसे वक्त मुश्किल तो नहीं था, पता है मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्को क्यों गया था? वहाँ मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और सोचा था सुबह जल्दी उठकर माँ से आशीर्वाद लूंगा, लेकिन मैं घर से इतने दूर शहर के बाहर तुम्हारे साथ आ गया हूँ। अब चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए, अगर तुम साथ हो तो सबका सामना करने के लिए तैयार हूँ। उनकी गाड़ी आ रही है। नहीं नहीं, ये उनकी गाड़ी नहीं है, रिलैक्स, डोंट वरी। देखो, ये मेरे दोस्त नहीं मेरी जान है, मैंने इनकी जान तुम्हारे लिए खतरे में डाली है। बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो मैं। अच्छा, तुम जाना कहाँ चाहती हो? चित्रदुर्गा से आगे हुबली जाना है। अच्छा, रोक 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 रोक, पकड़ो उसे। ए, चलो जल्दी चलो। Hey! गाड़ी आ गई। रा 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 रा। क्या बात है, रात भर से तू गाड़ी चला रहा है क्या? हैं? अरे सर काट करके फाइल बंद करने को कहा था और तू अभी तक गाड़ी चला रहा है कि ठेला चला रहा है? वो क्या है महाराज, पीछा करते समय मुझे थोड़ी चोट लग गई। है, तूने उसे खत्म नहीं किया। हम बॉर्डर क्रॉसिंग, मर्डर, टेररिज्म, हवाला जैसे बड़े बड़े कारनामे करते हैं और ये कल के छोकरे हमें सिर दर्द दे रहे हैं। हम पर पहले ही हजारों केस बकाया पड़े हैं, उनमें से ये भी एक जुड़ जाएगा। भैया सब लोग सरकार से नौकरी मांगते हैं, लेकिन हम सरकार को अपना पीछा करने का काम दे रहे हैं। हे, लेफ्ट में गाड़ी ले। अरे वो लोग दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए वो लोग? क्या पता भाई। हे, गाड़ी रोक। फोन दे मुझे। ओम भूर्भुवः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसका फोन है? भैया क्या बात है? गोपाल भैया अब आपको ही मुझे बचाना होगा। हाँ, उनकी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही भैया। क्या कह रहे हो? महाराज को पता चला। अभी तो कहाँ है? वेलूर और पलीकुंडा के बीच में हूँ भैया। तुम वहीं रुको, मैं 10 मिनट। नाइन 9447153332 ये नंबर कहाँ है? फॉलो करके जरा पता लगाना। सर लाइन पे रहिए, अभी बताता हूँ। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करता हूँ। हाँ भैया, वो गाड़ी पल्लीकोंडा टोल गेट के पास है। ठीक है भैया। ए गाड़ी निकालो, चलो जल्दी। हे टोल आ गया है, अच्छा मौका है। विजय अगर यहाँ से यू टर्न ले लेंगे तो हम लोग आसानी से भाग सकते हैं। भैया उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, कौन से कंपनी का कार्ड है, हमको जरूर पकड़ लेंगे वो लोग। उनकी गाड़ी सामने है, चलो जल्दी। चलो 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 चलो। अरे चल 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 चल, पीछा कर उनका। चल भगा, क्या कर रहा, और तेज भगा। चल चला, कहाँ तक भागोगे? रेस लगा रहे हो हमसे? रेस छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। चलो 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 चलो। अरे और तेज चलाना। कहाँ चले गए वो लोग? अरे लगता है उन लोगों ने राइट ले लिया है। यार हम कितनी दूर तक ऐसे ही चलते रहे? गजब का सवाल। ये रोड कहाँ जाती है भैया? शायद बॉम्बे, नहीं नहीं दिल्ली तक। अरे वाह, दिल्ली तक जाएंगे भीगी बिल्ली बनके। तुम लोग अपने बारे में बात करो। अरे तो क्या तेरे बारे में बात कर रहा हूँ? कल मेरा एग्जाम है। कौन सा आईएएस का एग्जाम है तेरा? आईएएस का एग्जाम नहीं है तो क्या हुआ भाई, लेकिन एडवेंचर का एग्जाम तो है ना। इस अनजान लड़की के लिए मैं अपना करियर क्यों बर्बाद करूँ? गाड़ी रोको। चलो रोक दो, अब तो इसने खुद कह दिया। अब यहाँ उतरोगी क्या? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मत रुको। किसी होटल या फिर किसी रेस्टोरेंट के आगे। तो तुमने अपने मतलब से गाड़ी रोकने को कहा है? ए भैया मुझे अर्जेंट था तब गाड़ी नहीं रोका, और इसको अर्जेंट है तो ब्रेक बराबर लगाओगे। वाह क्या बात कही है यार। सुनना, किसी बस स्टैंड के पास गाड़ी रोक देते हैं यार, इसे जिस होटल में जाना होगा वहाँ से खुद जा सकती है, कोई छोटी बच्ची थोड़ी है। प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, मैं उनसे नहीं बच पाऊंगी, प्लीज गाड़ी मत रोकना, बस तुम ही मुझे बचा सकते हो, प्लीज 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 विजय। क्यों, तुम चाहती क्या हो हम पूरा दिन तुम्हारे साथ घूमते रहे? हाँ आगे देखना। थैंक यू सो मच विजय, हमारे लिए सड़क के किनारे गाड़ी रोका और इसके लिए रेस्टोरेंट में। खेला समझ में आ रहा है, तू बोतल निकाल ले। दे, पकड़ पकड़ पकड़, ये ले दे और दे। विजय तुझे अभी भी समझा रहा हूँ, इसे यही छोड़ दे, हम लोग चलते हैं यहाँ से। ये क्या बक रहा है, अब इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हें लव हो गया है? ए, मुझे तो लगता है इसीलिए ये सब कर रहे हो ना। अरे ऐसी बात नहीं है, देख यार बात को समझ, तू उस लड़की को बचाने में लगा है और वो लोग उसे जान से मार देना चाहते हैं, बीच में तो फंस गए हम लोग यार। बिना किसी नुकसान के घर पहुंच जाएंगे ना? हाँ पता नहीं, लेकिन डर के आगे जीत है भाई। चीयर्स। दिल को आ खो रही हूँ। पानी के बूंदों में तन भिगो रही हूँ, मुझको छुपा ले कहीं खो रही हूँ। कुछ भी याद रहे ना जब तू पास आता है, तेरा हर अंदाज सनम मेरे दिल को भाता है। पास तुझे पाके दिल को आता है करार। मेरे दिल में कोई नहीं सी हो रही जुबन, तन मन में आग लगी जल रहा बदन। हुई मैं दीवानी हुई तेरे लिए जाने जा, हुई मैं दीवानी हुई तेरे लिए जाने जा, हुई मैं दीवानी हुई तेरे लिए जाने जा। अरे यार कितना टाइम लगाती है, बुलाना उसे, वो गुंडे फिर आ जाएंगे यार। हे विजय प्लीज बुलाना यार उसे। ए जाना अंदर। एक्सक्यूज मी ऐश्वर्या। ऐश्वर्या हाँ? गाड़ी पीछे ले, और पीछे और पीछे और पीछे। वहाँ खड़ी है उनकी गाड़ी, चल पकड़ उन्हें। चल जल्दी कर जल्दी कर। ये लोग आ रहे हैं, पकड़ोगे। चलो ऐश्वर्या जल्दी चलो। पकड़ो उन्हें, कोई बचने ना पाए। पकड़ लो जल्दी आ भैया। चलिए अभी जाए, चल जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी। चलो गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, जल्दी जल्दी आओ जल्दी। अरे बोलो गाड़ी में बैठ रहे, जल्दी जल्दी चलो। चलो चलो चलो। अरे गाड़ी क्यों रोकी? जल्दी देख क्या हुआ। बस भाई देखता हूँ। कहीं भी जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ेंगे नहीं वो लोग कंफर्म। अबे जब गाड़ी की हालत कर दी है तो इसकी क्या करेंगे? ऐसा मत बोल भैया, इस गलती की वजह से हमारे टुकड़े हो जाएंगे यार। हमारी क्या गलती है, सारी गलती इसी लड़की की है। घूर क्या रही है? सुन विजय, इसे यहीं छोड़ देते हैं और हम वापस चलते हैं, हमारे लिए यही ठीक रहेगा। चित्रदुर्गा से आगे हुबली। हाँ? इसको तो वहीं जाकर छोड़ेंगे। अच्छा तो मैं ठीक था, आखिर तुझे इससे लव हो ही गया और तूने इसकी बात भी मान ली। ये कहाँ की है? हुबली की। ए, ये हुबली यहीं पास में है क्या? सिर्फ एक इसकी जान बचाने के लिए हम चारों की जान खतरे में पड़ गई है। अगर मेरा बस चलता ना तो तुझे यही उतार देता। प्लीज इतनी दूर तक मुझे बचा कर लाए हो, बस थोड़ी दूर और। प्लीज मुझे वहाँ पहुँचा दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। तेरी जिंदगी बचाने के लिए हम अपनी जिंदगी खतरे में डाल दें? उतार से, तुरंत उतार। नहीं उतार से यार, जाने नहीं इसके साथ यार। ये कौन है, कहाँ से आई है, इसके पीछे लोग पड़े हैं क्यों पड़े हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता। वो लोग इसकी जान के प्यासे हैं, धमकी के फोन भी आ रहे हैं और वो गुंडे इसकी जान के पीछे पड़े हैं। मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, इसलिए सिर्फ अपनी मत सोचो। अरे यार क्या हो गया, कुछ भी बोल रहे हो। इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? कुछ भी हो जाए मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। वाह यार, इतने साल की दोस्ती तूने पल भर में खत्म कर दी, वो भी किसके लिए? इसके लिए जो कल मिली है। मैं जानता हूं कि मेरी पढ़ाई, मेरी जिंदगी सब तुम्हारी देन है यार। अब जब तुमने ठानी लिया है तो फिर हम तीनों तुम्हारा साथ जरूर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम भी तुम्हारे साथ हैं। वैसे ये सही था, हम सब बोल बोल कर इसके दोस्त बने रह गए और तू बिना बोले इस लड़की के दिल के करीब पहुंच गया। हाँ, जब तूने इसे फ्रंट सीट पे बैठाया था मैं तो तभी समझ गया था भाई। अब हम तेरे साथ हैं दोस्त। और सुन, इतनी अच्छी लड़की बाय लक अगर तुझे मिल गई है तो अब इसका साथ छोड़ना मत। ओके चक्का मार दिया मेरा भाई ने। डीजे वाले बाबू गनवा बजाई दो। ताजमहल तू मेरा ताजमहल तू, सोने की मूर्ति है तू मेरा ताजमहल तू, ताजमहल तू मेरा ताजमहल तू, दिल मेरा लेके जाने वाली ताजमहल तू, ताजमहल तू मेरा ताजमहल तू, बिंदी लगा के आने वाली ताजमहल तू, ताजमहल तू मेरा ताजमहल तू, नींद मेरी चुराने वाली ताजमहल तू, छैल छबीली आँख नशीली मिश्री वाली तू प्यार की डली, ताजमहल तू मेरा ताजमहल तू, सोने की मूर्ति है तू मेरा ताजमहल तू, ताजमहल तू मेरा ताजमहल तू, दिल मेरा लेके जाने वाली ताजमहल तू। फेसबुक पे देखा तुझे, लाइक तभी किया तुझे, हुआ दिल तेरा मेरा ताजमहल तू, इंस्टा पे लोड करूं तेरी मेरी लव स्टोरी, बनेगी लाइफ मेरा ताजमहल तू, दूसरे कह से आई है ये फूलों की बहार, आते आते सबको इसने शौक दिया मार, हर बात इसकी शहद जैसी कई हुए पागल और कई बेकरार, चैटिंग इससे करते करते इसके दिल की रूट पे जा, ताजमहल तू मेरा ताजमहल तू, सोने की मूर्ति है तू मेरा ताजमहल तू, ताजमहल तू मेरा ताजमहल तू, दिल मेरा लेके जाने वाली ताजमहल तू। सेटेलाइट तू विदेशी चॉकलेट है तू, चाय से भी मीठी मेरा ताजमहल तू, आईटी पार्क है तू, आइस वाली केक है तू, जिंदगी बना दे मेरा ताजमहल तू। तूने तो आते ही दिया सिक्सर लगा, पार कर दी तूने मेरी खींची रखा। हाँ एक तेरे इशारे पे ही घूमने लगा, दिल मेरा दीवाना देखो झूमने लगा। तू मेरा है कीमती नगीना, रखूंगा मैं संभाल के तुझे। ताजमहल तू मेरा ताजमहल तू, सोने की मूर्ति है तू मेरा ताजमहल तू। ताजमहल तू मेरा ताजमहल तू, बिंदी लगा के आने वाली ताजमहल तू। छैल छबीली आँख नशीली, मिश्री वाली तू प्यार की डली। बहुत डर लग रहा है यार, यार संभल के यार। और पास और पास और पास। तेज और तेज चलाओ, और तेज प्लीज, और तेज चलाओ तेज विजय। रोक गाड़ी रोक प्लीज विजय, और तेज। भगा ओए भगा भगा भगा, देखता हूँ कहाँ तक भागते हैं। चल 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 चल, और नजदीक चल, और नजदीक चल। ए रुक जा, और तेज बचे, जल्दी करो बचे। पास ले, जल्दी और पास, बहुत पास है। कब तक बचती है तू? स्पीड बढ़ाओ बचे, और तेज चलाओ। अभी भी वक्त है, मान जा। लड़की को उतार दे, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। और बचे, नहीं छोड़ूंगा। और तेज चलाओ प्लीज, और तेज, और तेज, और करीब दे, और तेज चलाओ प्लीज विजय। ले ले ले, हो विजय, लगा गाड़ी आगे। केफल केफल, भगा भगा भगा, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट से लेफ्ट, और तेज और तेज, और तेज आगे। संभल कर बचे, दबा दबा गाड़ी को, लेफ्ट में दबा उसकी, दबा दबा, और दबा और दबा। सामने देखो, भगा चल दबा। चला रहा है बेवकूफ, बचने ना पाए। चल भगा भगा भगा, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या कर रहा है? भगा भगा भगा, उस ब्रिज से उतरने से पहले उन्हें उड़ा दे। अरे वाह, पीछा करने वाले गायब हो गए मेरे दोस्त, हम बच गए। हाय हाय क्या बात है। ये क्या, सच्चाई पता चलती गाड़ी को हिचकी लग गई क्या? फंसे तो सब लोगों का कीमा बन जाएगा। अरे भैया इंजन कहाँ बंद कर दिया? डीजल खत्म हो गया, चलो नीचे उतरो। क्या कहा? डीजल खत्म हो गया? जो उसने कहा उसे दोबारा क्यों बोल रहा है तू? बोला ना बकवास मत करो, नीचे उतरो और गाड़ी को धक्का लगाओ। चलो उतरो, चलो उतरो। क्या कर सकते हैं, पता नहीं था इतनी दूर तक आएंगे, वरना टैंक फुल कर लेता। अच्छा तुम लोग एक काम करो, आगे जाओ, तब तक मैं पेट्रोल पंप जाकर कैन में डीजल भरवा कर लाता हूँ। ठीक है ना? अच्छा तू और तेरी माशूका जाए और हम तीनों यहाँ पड़े रहें? यार एंजॉय करने का भी कोई मौका होता है यार। अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार मार के कचूमर निकाल देंगे। ए, तुम मेरी बात सुन रहा है कि नहीं? मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा, तू मेरी बात सुनेगा। मैं जा रहा हूँ। तू नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। संभल कर जाना। इसी रास्ते पर होंगे, चल जल्दी 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 जल्दी, चल जल्दी, चल 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 और तेज भगा। रात को बर्थडे पार्टी के बाद हमें आराम से घर पे होना चाहिए था, लेकिन हमारी किस्मत उस डिस्को में जाके खराब हो गई। और उससे बुरी बात यह है कि इस लड़की को बचाकर भाग रहे हैं इसलिए हो गई, और उससे भी बड़ा बैड लक, डीजल खत्म होने के कारण हमें शमशान में बैठना पड़ रहा है। मैंने शमशान का बात किया था, देखो पहुंच भी गए यहाँ पर। अरे रे 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 बेचारा। या क्या बात है। ये तो कमाल हो गया, हमें तंग करने वाले बकरों में से एक बकरा सामने ही है। ए, लड़की को भगा कर ले जा रहे थे और अब नौटंकी कर रहे हो, अब भाग कर दिखाओ। क्या स्टाइल है, क्या जैकेट है, क्या बालों की कटिंग है। वाह 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 वाह। हे, मानना पड़ेगा तेरा दोस्त बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। हे, बता वो लोग कहाँ हैं? चल बता दे कहाँ हैं वो लोग। नहीं बताऊंगा। हे, नहीं बताएगा? बता तेरे बाकी साथी कहाँ हैं? नहीं बताऊंगा। हे, बता दे नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। तुम जो चाहे कर लो, मैं नहीं बताऊंगा मेरे फ्रेंड्स कहां पर हैं। जा सामान लेकर आ, मानना पड़ेगा तुझे, बहुत हिम्मत है तेरे अंदर। यही हे गणेश, चल वीडियो बना। जी भाई। छोड़ दो। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? क्या नहीं तुझे? छोड़ दो। चल महाराज को फोन लगा, बता दे कौन है वो, बता दे चांद से मार दूंगा। बता, शब्द बता। भाई रिंग जा रही है। महाराज काम हो गया। उन चारों में से एक लड़का डीजल लेने आया था, उसे हमने पकड़ लिया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने इसे बहुत मारा लेकिन ये मुंह नहीं खोल रहा है, ये नहीं बता रहा है कि वो लोग कहाँ हैं। मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ, देखकर बताइए कि अब मैं क्या करूँ। ठीक है। छोड़ दो। मैं नहीं बताऊंगा। बताइए क्या करें महाराज? जैसा कहता हूँ वैसा करो। बेचारा डीजल की तलाश में गया है। ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। कौन है? व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजा है। प्ले करो। कॉल करने पर उठाया नहीं, एसएमएस का जवाब भी नहीं दिया और अब व्हाट्सएप भेजते ही देख लिया। लगता है तुझे ये वीडियो पसंद आया। मैंने एक बढ़िया सा ट्रेलर भेजा है, देखकर लाइक्स भेजना। लेटेस्ट ट्रेलर है ऐश्वर्या। इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर दूंगी। मैं नहीं बताऊंगा। छोड़ दो मुझे। अरे यार, ये क्या हो गया यार? रोहन, हेलो। ये क्या, फोन करते ही उठा लिया? सोनामी को तुम्हारी तरफ कर दिया इसलिए। ट्रेलर कैसा लगा? अब पूरी फिल्म देखोगी? रुको दिखाता हूँ। देखकर लाइक करना मत भूलना। मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार छोड़ कर चला गया। कौन है विजय? विजय कौन है बताना। रोहन की माँ का फोन है। रोहन की माई, कुछ तो बात कर और संभाल। फोन उठा के बात कर। क्या बात करूं, क्या बोलूंगा मैं उनसे? हेलो विजय। हाँ बोलिए। रोहन बेटा देख, मैं भूल गई, आज तेरा जन्मदिन है ना। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। मेरे लिए तुझ में और रोहन में कोई फर्क नहीं है, तुम दोनों ही मेरे बेटे की तरह हो। मैंने तुमने कभी कोई फर्क नहीं किया। अच्छा तूने पार्टी तो अच्छे से मनाई ना। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। अच्छा रोहन का फोन सुनो। हाँ माँ, वो फोन चार्ज नहीं किया था तो शायद ऑफ आ रहा होगा। ऑफ है क्या? हाँ हाँ भाई। वैसे तुम्हारा सेलिब्रेशन हो गया या अभी बाकी है? क्या बोलूँ मैं? हाँ माँ, सेलिब्रेशन खत्म हो गया। बेटा जरा उसे जल्दी भेज देना क्योंकि कल उसकी एग्जाम्स हैं। ठीक है माँ। पता है तुझे, मेरा बेटा पढ़ाई के लिए सब छोड़ सकता है, लेकिन तेरा जन्मदिन था इसलिए वो पढ़ाई छोड़कर तेरा बर्थडे मनाने वहाँ गया। इसी से पता चलता है कि तुम दोनों की दोस्ती कितनी पक्की है। अच्छा वो क्या कर रहा है? जरा उसे फोन दे दो। नहीं, उसे फोन नहीं दे सकता माँ। क्यों बेटा, वो आसपास नहीं है क्या? उसका फोन ऑफ है ना, तो चार्ज लगाने के लिए गया है। वहीं बैठकर शायद फोन देख रहा होगा। ठीक है बेटा, उसके आते ही मुझे फोन करने के लिए कहना। ठीक है माँ। अच्छा बेटा, मैं फोन रखती हूँ। अच्छा माँ। बताया क्यों नहीं? कैसे कह सकता मैं उनको? वो उम्मीद में बैठी है कि रोहन आएगा, लेकिन रोहन कभी नहीं आएगा। कैसे कह सकता हूँ मैं? अब वो अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देख सकती, जिंदा जला दिया है। कैसे कहता मैं? अगर बोल देता तो क्या वो सहन कर पाती? ये क्या हो गया? रोहन को उन्होंने मेरे भरोसे पार्टी में भेजा था। उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। उसकी जान जाने से अच्छा मैं मर जाता। बस कर विजय, तू क्यों मरेगा? हाँ सुन मेरी बात सुन, उसकी मौत की वजह ये लड़की है, समझा कि नहीं? सही कह रहा है, सब इसकी वजह से हुआ है। हमारा दोस्त हमें छोड़कर चला गया इसकी वजह से। कौन हो तुम, हमसे मदद क्यों मांगी तुमने? बोलो। तेरे लिए जीने मरने की कसम खाने वाले दोस्त को हमने इस दुनिया से खो दिया, और ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। मेरी पढ़ाई, मेरी जिंदगी, सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से कह रहा था। उसने दोस्ती के लिए अपनी जान तक दे दी। अगर उसकी माँ का दोबारा फोन आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या बोलूंगा? इतना कुछ होने के बाद भी भूत की तरह खड़ी है यहाँ। बता तेरी क्या कहानी है, बता हमें, मुंह खोल अपना, बता जल्दी हमें, वरना। पहले ही मुंह खोलकर बता देती तो हमसे जो मदद होती हम कर देते, लेकिन उसे इस तरह मरने नहीं देते। चैन की जिंदगी एक ही रात में इसने पूरी चौपट करके रख दी। जी करता है तुझे यही जान से मार दूंगी। तेरी प्रॉब्लम क्या है बता? वो तेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? बोल। बोलती भी है या नहीं? बोल। बोलती क्यों नहीं है तू? बोल। बोलना। कुछ नहीं बोलेगी ये लड़की। दोस्तों, जो लड़की पुलिस के पास जाने से डरती है तो कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी। ये जरूर कुछ छुपा रही है। पूरी एक गैंग इसका पीछा कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है। और पुलिस के पास भी नहीं जा रही है, पुलिस से डर रही है, मतलब बड़ा कांड किया है। हम इतना कुछ कह रहे हैं और तू चुप खड़ी है। एक लड़के की जान ली है और तू बेशर्म की तरह खड़ी है। तू इंसान है कि क्या है? अरे रुक, यह जानवर है, यह शनि है। शनि बनकर हमारे पीछे पड़ गई है। मुझे तो लगता है इसने अपने जानने वाले के साथ भी कुछ किया होगा। बेशरम तू। स्टॉप इट, बहुत हो गया। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। क्या कह रहे हो मुझसे? क्या कह रहे हो तुम मुझसे? जानते हो इससे भी बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। इतना बुरा कि मैं बता भी नहीं सकती। क्या हुआ? क्यों नहीं बता सकती? अरे ओवर एक्टिंग मत कर, मुंह खोल कर बोल। मेरी मम्मी और पापा और मेरी छोटी बहन, हम तीनों ही थे मेरे परिवार में। मेरे पापा के एक दोस्त है जिनका परिवार नहीं है, इसलिए वो मुझसे और मेरी बहन से, पापा से भी ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन मेरे मम्मी पापा और बहन तीनों एक एक्सीडेंट में चल बसे, और उसके बाद से मेरे अंकल ही मेरे सब कुछ है। ऐश, अभी तक तुम बच्ची हो। सॉरी अंकल। जाओ जाओ जाओ। ऐश्वर्या, खा क्यों नहीं रही? ए, अच्छी तरह खाओ, सेहत का ख्याल रखा करो। हाँ खाओ। पापा, अंकल मुझसे इतना प्यार करते हैं कि आपकी और माँ की कमी महसूस नहीं होने देते। ऐश्वर्या, ये क्या बेटी, इस तरह भीग कर आई हो? ये तुम अभी तक बच्ची हो क्या? बारिश रुकने के बाद आ जाती। बहुत क्या है ये बारिश थी, डेंगू फैला हुआ है और तुम, मुझे तो डर लग रहा है। ये क्या, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? कमरे में जाओ, ड्रायर ऑन कर देना। ओके जाओ, बैग लाओ, हर जगह इसे लटकाए फिरती हो। जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा। जब मैं नहा रही थी तब अचानक लाइट चली गई। तब मैंने देखा कि मेरे सिर के ऊपर कुछ चमक रहा है। मैंने धीरे से उसे हटाकर देखा तो पता चला कि वो एक पेन कैमरा था। मैं समझ गई कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है। मैं तो उसी समय मर गई। ओह माय गॉड, मैंने जहाँ जहाँ सोचा भी नहीं होगा वहाँ वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। अंकल के कमरे में, जहां मैं आज तक नहीं गई थी, उस कमरे में भी हर जगह कैमरा लगे हुए थे और हर जगह मेरी फोटो लगी हुई थी। उनका लैपटॉप उठाकर देखा तो पता चला कि मेरी जानकारी के बिना उन्होंने मेरी कई तस्वीरें ली थी। वहां के सारे कैमरास तोड़ दिए। अभी आता हूं। फिर मैंने वहां से चले जाने का फैसला किया। हुबली में मेरी बुआ रहती है, उनका पता मुझे डायरी से मिला। तेरे बाप को मारा, तेरी माँ को मारा और तेरे परिवार को खत्म किया, पूरे परिवार को खत्म कर दिया सिर्फ तेरी चाहत में। थैंक गॉड बुआ जी का एड्रेस मिल गया। भागना चाहती है तू? छोड़ूंगा नहीं। तेरे बाप ने मुझे अच्छा आदमी समझा। तेरी माँ मुझे बहुत नेक समझती थी, तेरी प्यारी बहन मुझे अंकल अंकल कहती थी। मैं अंकल नहीं हूँ, नीच इंसान हूँ मैं। ये नौटंकी मेरे साथ नहीं चलेगी, तू नहीं बचेगी। तो सब पता चल गया तुझे? ये भी अच्छा ही हुआ। छी, कैसे इंसान है आप? आपको अपने पिता जैसा समझती थी, लेकिन आप तो तू क्या कर लेगी मेरा? हाँ? इतनी बड़ी जायदाद के मालिक तेरे बाप को परिवार के साथ ऊपर भेज दिया, तो फिर तू क्या चीज है? क्या कहा? मतलब मेरा परिवार एक्सीडेंट में नहीं मरा? देख क्या रही है? तुझे क्या लगता है तेरा बाप और माँ एक्सीडेंट में मरे थे? वो सब मेरा प्लान किया हुआ था। You bloody rascal! उछल क्या रही है तू? मैंने सोचा पहले ये जायदाद अपने नाम कर लूं, उसके बाद तेरे साथ मजे करूंगा। शुभ मुहूर्त भी तय कर लिया था, लेकिन अब क्या करें, तुझे बहुत जल्दी है शायद। अब तुझे ही जब इतनी जल्दी है तो मर्द होकर मैं क्यों चुप रहा हूँ? शुभ मुहूर्त अभी बना लेते हैं ना। भागेगी? छोड़ो मुझे। You bloody rascal! मैं तेरी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगी, देख लेना। अच्छा, तेरी तस्वीरें नेट में डाल दूंगा। मैंने सारी फुटेज डिलीट कर दी है। तूने जो डिलीट किया ना वो डुप्लीकेट हैं, ओरिजिनल देखेगी। एक बात सुन, पुलिस में अगर कंप्लेंट करेगी तो पैसे देकर वहां से छूटने में मुझे देरी नहीं लगेगी, लेकिन नेट पर तुझे देखने वाला मेरे बारे में नहीं पूछेगा, वो यहाँ आकर तुझसे पूछेगा। अब क्या करेगी? शांत हो जा। छोड़ मुझे। Bloody rascal! तू कहीं भी भाग कर जा, लेकिन देख लेना तुझे अपना बना कर रहूंगा। वहाँ से भागकर मैं हुबली में अपनी बुआ के पास जाना चाहती थी, पर रात होने की वजह से मैं अपनी सहेली के साथ उसके हॉस्टल में रुक गई। मैं परेशान थी, इसलिए मेरी सहेली मुझे डिस्को में लेकर गई और मुझे मारने के लिए उस कमीने ने वहाँ FIR राजा को मेरी फोटो और फोन नंबर देकर भेज दिया। हेलो हेलो, लड़की का फोटो और डिटेल्स दे दिया है ना? पार्टी को ट्रेस कर लिया है, खत्म कर देंगे। ये ट्रेस कर लिया, फॉलो कर रहे हैं, पकड़ लेंगे, ये सब मुझे नहीं सुनना है। जो आज तक मुझे नहीं मिल सकी वो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हें चाहिए सिर्फ पैसे, मुझे चाहिए उसकी लाश। उस FIR राजा के गुंडों ने मेरा नंबर ट्रेस कर लिया और वो डिस्को तक आ गए। उसके बाद का तो तुम सब जानते हो। विजय, मैं चली जाती हूँ। अब तक तो मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन ये सुनने के बाद मैं तुम्हारा साथ दूंगा। विजय हम भी। अभी उसको फोन करो, जल्दी करो। ए विजय, फिर से वही सब। ए हमें डरने की क्या जरूरत है, और हम भागे भी क्यों? फोन नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो। अरे यार भैया, हाँ? एक 50 लेकर आइए। हाँ? अरे रुकिए रुकिए, हाँ? 30 मिला के 80 ले आइए। पहले 50 कहा। अरे 50 बिहार के लिए, 30 महाराष्ट्र के लिए। नहीं तो कल फिर से भेजना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ। इसकी पैदाइश ही गलत है। नाम तो देखो, FIR। 25 लाख मिले तो वो भी पूरे दे दो, नहीं तो ये मुझे भी खत्म कर देगा। हाँ हाँ, बस तुम्हारी ही कमी थी। जाओ जाओ। हाँ, कहाँ पैदा हुआ इसका पता नहीं, ना राशन कार्ड है ना आधार कार्ड है, बस इधर उधर घूमते छिपने वाले लोग हैं। फिर भी हमसे लोग उम्मीद रखते हैं, बताओ क्या काम है। मैंने 300 एकड़ जमीन अल्कोहल फैक्ट्री के लिए कब्जा की है, लेकिन वहाँ का MP जो है वो मान नहीं रहा है। मान नहीं रहा है जी। FIR क्या करना है, रास्ते बदलाना है कि ठिकाना लगाना है? जो अच्छा लगे कीजिए, बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वेस्ट इंडिया की बात है तो अपना आदमी है कादर, कादर से बोल के काम करवा दूंगा, चिंता मत करो। मालिक। मालिक क्या बात है, बोल ना। पुलिस से परेशान हूँ। 5 साल की उम्र में मुंबई पुलिस ने मारा था, तब से परेशान कर रहा है। बताना क्या बात। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है मालिक। क्या बात है, साफ साफ बता। मालिक आपको खत्म करने वाले हैं वो लोग। देखिए इसकी हालत, मुझे मारने वाले हैं ये बोलने आया था, उससे पहले उसे ही खत्म कर दिया। कौन मारने वाला है, किसे मारने वाला है, कहाँ मारने वाला है, बाहर मारने वाला है, अंदर मारने वाला है, कोर्ट में मारने वाला है या कहीं और मारने वाला है, इन सब का स्केच बनाकर काम करने वाले हैं हम। और लोग मुझसे आकर कह रहे हैं कि मुझे मारने वाले हैं। आइए भैया। आप ही बताइए। मुझे बता तो देता, ऐसे बेकार में मर गया। ये लो। मंत्री जी की क्या परेशानी है? आप ही देखिए, हमेशा स्टेट सेंटर के पास जाता है, हाँ। और यहाँ सेंट्रल स्टेट के पास आया है। हाँ। क्या बात है ऐश्वर्या। हमेशा मैं फोन करता था, आज तुमने फोन कर दिया, बहुत खुशी की बात है। उन बच्चों को फोन देना। हे महाराजा, महाराजा। क्या बात है राजा, तेरे दोस्त को मार दिया, इस बात का गुस्सा है क्या? कल के छोकरे, मैंने तुम्हारे जैसे कितने लौंडों को देखा है, किसके साथ खेल रहे हो। मैं उस लड़की को खत्म करके ही छोड़ूंगा। अगर तुम उसका साथ दोगे तो तुम भी बेमौत मारे जाओगे। ए, मेरी राय मानो, शांति से अपने माता पिता के साथ रहो, उसे छोड़कर भाग जाओ। ए, हम क्यों भागे? हाँ, कान खोलकर सुन ले। अब तक तू हमारा पीछा कर रहा था, अब हम तेरा पीछा करेंगे। अच्छा, तो तेरी इतनी हिम्मत हो गई। अब मैं तुझे उल्टा बोलूं क्या? हाँ बोलना। मेरे लड़के चित्रदुर्ग रोड हुबली में ही है, अगर अपने आप को मर्द का बच्चा समझता है तो वहाँ आ जा। मर्द का बच्चा हूँ, आ रहा हूँ। Guess it's back! Yeah! It's the ball back! Spot, spot, spot. पापा, मुझे आपकी मदद चाहिए। विजय, आज तुम्हारा जन्मदिन है। क्या बात है? कहाँ हो? मैं मुसीबत में फंसा हूँ, डिटेल्स भेज रहा हूँ, प्लीज मदद कीजिए। एक पिता और पुलिस कमिश्नर के नाते मैं ये केस हैंडल करने के लिए तैयार हूँ, तो जल्दी से हेल्प कीजिए प्लीज डैड। पुलिस को सबूत चाहिए, अभी भेजता हूँ। मरेगा आप, अब देखे क्या होता है। अब देख क्या क्या होता है। विजय, 2 घंटे के अंदर इस केस की जानकारी पूरे मीडिया पर छा जाएगी। महाराज, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। मैं जानता हूँ वो लौंडे लड़की के साथ चित्रदुर्ग कंटेनर ग्राउंड पर आ रहे हैं, उन्हें वही खत्म कर दो। ठीक है महाराज। किसने मेरे दोस्त को जलाया? हाँ? बोल, किसने? तूने जलाया ना? बाहर निकल, बाहर निकल। तूने मेरे दोस्त को जलाया ना? मार, मार इसे और मार। जोसेफ, कंटेनर से डीजल लेकर आ। ऐश्वर्या वीडियो बनाओ। डाल इस पर। तूने जलाया था ना मेरे दोस्त को, तूने ही जलाया था ना। अब तेरी बारी है। ऐश्वर्या ये वीडियो महाराजा को भेज। छी। छी। ए! मेरे जान से प्यारे दोस्त को मारा और मैंने तेरे भाड़े के टट्टू को खत्म कर डाला। बस अब यहीं पे वरना नुकसान तेरा ही होगा। क्या बे, उससे पैसे लेकर तू इतना घटिया काम कर रहा है ना। मैं तो दूसरा काम भी कर सकता है, समझा क्या? बोलने में मुझे शर्म आ रही है। इस लड़की को मारने का इरादा छोड़ दे। जब तक मैं हूँ तू इसे छू भी नहीं सकता। अगर तूने इस लड़की के बारे में सोचा भी ना तो बाकी तीनों की समाधि भी बना दूंगा। भैया चलिए चलिए भैया। क्या हुआ, क्या बात हो गई? उन लड़कों ने मेरे एक आदमी को खत्म कर दिया और बाकी के 3 लड़कों को भी खत्म करने की धमकी दे रहा है। पहले उसे खत्म करना चाहिए था, उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ उस जगह का क्या नाम है? हाँ चित्रदुर्ग। वहाँ के कादर भाई है ना, उसे फोन लगाइए, फोन लगाइए। الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح الذين في هذه المقبرة ثم إلى روح من نويناه مرفوع قادر صاحب الله وقدره سبحانه يا رب العالمين صلى الله على محمد يا رب صل عليه कादर भाई बोलिए। क्या बात है, आवाज कुछ अलग लग रही है। हाँ मैं बादशाह बोल रहा हूँ। ओह बादशाह भाई, कादर भाई से बात करो या छोटे भाई बादशाह से बात करो, मेरा काम होना चाहिए। बात इतनी सी है, मैंने आपके एरिया में एक मुहूर्त फिक्स किया है। वहाँ अपने 3 आदमियों को भेजा, उनमें से एक को खत्म कर दिया। बोलने में शर्म आ रही है, मारने वाले 3 लौंडे हैं। अब हमारी तरफ से 3 लोग हैं और उसके तरफ से भी 3 लोग, बीच में एक लड़की है। किसी भी तरीके से उसे खत्म करना है। इस काम के लिए मैंने 2 करोड़ रुपए आपके लिए तय किए हैं। आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। बादशाह भाई, बादशाह बादशाह, अबू को गुजरे 2 दिन हो गए हैं। उनको जहां दफनाया था वहीं से बात कर रहा हूं, इसलिए मैं ये काम आपका करूंगा। ठीक है ठीक है, अल्लाह खैर। ये जो कुछ भी हुआ उसका कारण यही है। पहले इसे खत्म करो भाई। बादशाह भाई। मैं स्पॉट पर ही हूँ, सबको देख लिया है मैंने, खत्म कर दूंगा। भाई सबसे पहले गोपाल को खत्म करो, उसके साथ जो भी है सबको खत्म करो। मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? पहले उसे खत्म करो, उसके बाद लड़की को, उसके बाद सबको खत्म कर दो। क्या कर रहा है? इसे, खत्म कर दे इसे। मार विजय, विजय उठ, विजय उठ। दोस्त विजय। चित्रदुर्गा मेरा इलाका है, बादशाह मेरा नाम है। विजय हमरे भाई उड़ जाओ। विजय को जल्दी छोड़ना मत। मार विजय। कादर के मरने के बाद मैंने सोचा था ये कादर का नाम आगे बढ़ाएगा, लेकिन लगता है कि मैं इन सब की मौत देखूंगा। ईमान भाई जल्दी आओ। मुझे मार कर जा, जा मुझे मार कर। मेरे अब्बू हमेशा कहते थे जिंदगी में हमेशा जीतना, लेकिन जब तुझे पता चल जाए कि तू हारने वाला है उससे पहले मर जाना। तू योद्धा है, मुझे मार कर जाना होगा। मैं कोई खूनी नहीं हूं, ऐसा काम तेरे जैसे घटिया लोग करते हैं। ए, तू किसी की भी जान ले सकता है, भगवान है क्या? ए, वीरता की बात करता है, कायर बन के जान लेना। कौन इसे वीरता कहता है बता? जीना और जीने देना ही वीरता होती है। पैसों के लिए किसी को मार देना वीरता नहीं है। किसी घटिया आदमी के लिए पूंछ हिलाकर ऐसे काम करता है और वीरता की बात करता है, थू लानत है तुझ पर। मैं और मेरे दोस्त खुशी खुशी मेरा जन्मदिन मनाने गए थे और मेरे मासूम दोस्त को तुम लोगों ने जान से मार डाला। एक जिंदगी की कीमत तुम क्या जानो, चंद फेंके हुए पैसों के लिए मेरे दोस्त को जला दिया। कितना चाहिए, कितना पैसा चाहिए? मेरी जायदाद चाहिए, इसके पैसे चाहिए, मेरे दोस्त के पैसे चाहिए, सब दूंगा। मेरे लिए मेरा दोस्त ही खुशी है, क्या उसे वापस ला सकता है? क्या एक माँ के लिए उसका बेटा वापस ला सकता है? तुझ जैसे आदमी पर तो थू है। चलो हमारी गिराने की आदत है, लेकिन गिरने की बिल्कुल नहीं। और तू गिर गया, अपने बाप दादा का नाम मिट्टी में मिला दिया। और आज तू झुक गया, तेरे बाप को मरे हुए 2 दिन हुए हैं और आज 3रा दिन है। अगर 24 घंटे के अंदर तू उसे मार कर आता है तो तू मेरे भाई की औलाद है, नहीं तो अगर 24 घंटे के अंदर तू उसे मार कर आता है तो तू मेरे भाई की औलाद है, नहीं तो